हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है आकाश। और मेरा नाम है राज। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इकरा अजीज एंड यासिर हुसैन के वेडिंग वीडियोस पे। रेडी? रेडी। म्यूजिक क्यों नहीं है? वाह क्या दिख रही है। वैसे लोग डांस वीडियो पे रिएक्ट करने को बोल रहे थे, तो फाइनली डांस देखने मिला। इंडियन सॉन्ग है ना ये? कितना खुश लग रहा है। ओह आसिम अजहर और आनिया आमिर। इतना एनर्जेटिक ब्राइड ग्रूम देखा नहीं मैंने आज तक। कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग। शादी हो गया यार लेकिन। बहुत सारे लड़के दुखी है कि इकरा अजीज की शादी हो गई। इसका भी वो भी कोई है क्या? हाँ वो भी फेमस है यासिर हुसैन। मेकअप काफी ब्यूटीफुल है यार। तूने देखा था ना इसको? रांझा रांझा करती उसके फनी सीन्स पे हम लोग ने रिएक्ट किया था। क्या दिख रही है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है। फुल फिल्मी ना, कोई बॉलीवुड का सीन जैसा लग रहा। यासिर हुसैन अच्छा ही तो दिखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा ही दिखता है, लेकिन काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इकरा अजीज को कोई और ढूंढ लेना चाहिए था, बट ही इज़ गुड लुकिंग। कबूल किया इकरा बिनते अब्दुल अजीज, क्या आपने यासिर हुसैन वल्द खादिम हुसैन को अपने निकाह में 4 तोला सोने के एवज कबूल किया? कबूल है। बस अपने निकाह में कबूल किया जी। इकरा अजीज बिनते अब्दुल अजीज, मैंने आपका निकाह यासिर हुसैन वल्द खादिम हुसैन से 4 तोला सोने के एवज किया। ओह सजल अहद रजामीर, सजल को तो देखा है तूने? कपल है क्या ये दोनों? हाँ कपल ही है गेस। ये मुझे पता नहीं था ये दोनों कपल है, बट अच्छा लग रहा साथ में। क्या सही वेडिंग है। ले लो,
इन्होंने एक्चुअली सिंपल वेडिंग का कोशिश किया जितना सिंपल हो सके उन्होंने. इनका कुछ तो आर्टिकल देखा था मैंने कि इन लोग कोशिश कर रहे थे कि घर के अंदर ही शादी किया जाए, लेकिन फिर जगह कम पड़ गया उसके लिए. पूरी तरह से रीड नहीं किया मैंने, बट इनकी कोशिश थी कि जितना सिंपल रख सके रखें. ये है हमारी प्राइड. माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें ये घर नसीब करे, ये शौहर नसीब करे, और तुम दोनों बहुत खुश हैं. चावल चावल टाइप चीज रख लूं मैं प्लीज, मैं बहुत दिल कर रहा है. किधर जा रहे, किधर है, और ये कैमरा क्यों फॉलो किया जा रहा है? वीडियो एक्चुअली फोन से निकाला है. हाँ. तुम लोग दुनिया के बेस्ट दुल्हा दुल्हन हो. बैठिए. उठा के लेके चलो क्लैप करो. इंटरेस्टिंग था, और मैंने जितना सिंपल एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल भी उतना सिंपल तो नहीं था, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल में रीड किया था कि ये लोग जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वेडिंग करना चाहते हैं. एंड सिंपल ही था सेलिब्रिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी नॉर्मल लोग के हिसाब से देखा जाएगा तो ये काफ़ी फैंसी ही था. फिर भी कैसा लगा तुझे? मुझे अच्छा लगा, और बहुत फन कर रहे थे यार इन लोग. नहीं तो यूजुअली मुझे दिखता है ब्राइड और ग्रूम हमेशा ऐसा बैठे रहता है, फोटोज के लिए पोस्ट कर रहे रहता है, लेकिन इन लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे थे, खुश भी लग रहे थे, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. और तुझे कुछ बोलना है इसके बारे में? क्या बोलूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के वीडियो. और कुछ तो खराब, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि शादी हो गई इकरा की ना. हाँ, राजा राजा कर दी उसके. हम लोग ने फनी सीन्स पर रिएक्ट किया था, तभी मैंने इसको पूछा था इकरा अजीज अच्छी दिखती है ना, तो इसने हाँ बोला था. और अभी इसको दुख हो रहा है कि इसकी शादी हो गई है. वैसे तो अकेला ने दुख नहीं हो रहा है, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा है. अच्छा, बहुत सारे लड़के दुखी है वैसे. मैंने कॉमेंट्स में देखा था कि वो आर्टिकल के नीचे यार. हाँ, ऑब्वियस बात है, कॉमेंट्स में लोग लिख रहे थे ये डिजर्व नहीं करता. अच्छी बात है, शादी हो गई. एंड दोनों हैप्पी लग रहे हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.